नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं इंडिया गेट के बिल्कुल सामने हूँ। आप लोकसभा चुनाव आने वाले, आगाज होने वाला है, उसको लेकर जनता में क्या माहौल है, क्या मूड है और किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? तो पहले तो हमको ये बताइए, प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं आप? कांग्रेस को। कांग्रेस को क्यों? गरीब नहीं हो सारा, रोड पा गया, धंधा पानी नहीं, किसे क्या हुआ आदमी? अच्छा, सब लोग परेशान है क्या? गरीब आदमी परेशान है सारे, धंधा पानी नहीं है, कुछ नहीं है, सबको भिखारी बना दिया गरीब आदमी, क्या करेगा? किसने भिखारी बना दिया? मोदी ने। मोदी ने थोड़ा तेज बोलिए अंकल, आवाज कैसे पहुंचेगी आपकी जनता तक? मोदी ने भिखारी बना दिया सब लोग, गरीब को, गरीब को, गरीबी को पूरा खत्म कर दिया, क्या करेगा आदमी? कहां जाएगा? रोड पा गया आदमी, धंधा पानी सब कर दिया, चौपट कर दिया। पर मोदी जी तो कह रहे हैं यहाँ बस स्टैंड में पोस्टर भी लगा हुआ है, पाई पाई से गरीब की भलाई। अरे क्या हो रहा, कुछ हो रहा, सवाल खराब हो रहा है, क्या हो रहा है? सब वहाँ पे खत्म कर दिया धंधा पानी। प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्यों? नरेंद्र मोदी क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारा देश के हित के लिए किया है। पांच बता दीजिए ना। सैनिकों के लिए किया है, पूरे भारत लोगों के लिए किया है, किसान वासियों के लिए किया है। किसान तो ट्रैक रोके बैठे हैं वहाँ पर, कह रहे हैं एमएसपी नहीं, एमएसपी में धोखाधड़ी कर दी है सरकार ने। कौन सा धोखाधड़ी कर दिया? पूरा देश के लिए, हित के लिए काम कर रहे हैं। आप देखो ना, उसको जीजे भी उठा के सातवां नंबर पे पूरा देश है हमारा, भारत, भारत देश मेरा जो भारत देश है सातवां नंबर पे है। पहले उसका कोई नाम निशान नहीं था। अच्छा, अभी का देखो, अब स्टेटस निकल के जितने भी बेरोजगार है सबको रोजगार मिलता है। क्या है कि कोई करना नहीं चाहता। बहुत महंगाई की बात करें तो महंगाई तो कम है, एक जो होना ही होता है प्रत्येक साल। आज से तो महंगाई नहीं है, जब से जब जब भारत में इलेक्शन हुआ है तब तक महंगाई हुआ है। क्योंकि जहाँ आपको लग रही है, नहीं लग रही, हमें नहीं पता चल रहा, नहीं पता चल रहा ना। 200 रुपए का जो भी सामान हो जाए, प्याज होगी, टमाटर लेने को तैयार है आप लोग? 200 रुपए पैसे प्याज कैसे हो गया? 50 रुपए प्याज, ऐसे पहले भी तो प्याज उसे टमाटर हुआ ना अभी बीच में, लिया आपने? नहीं लिया ये तो कम तो हो गया ना। लिया या नहीं लिया? मैंने तो लिया था। हाँ, लिया था। कैसा लगा 200 रुपए का टमाटर? ठीक ठाक था, ठीक ठाक था। पूरे देश में देखिए कितने भी रोड कितनी अच्छी है, कितने एक्सीडेंट कम हो रहे हैं। अच्छा, आपके पास कहाँ से आई आंकड़े? ये आंकड़े हम देख रहे हैं, हम ट्रेवल का, हमारा टूर एंड ट्रेवल का काम है, हम तो देख रहे हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं। अच्छा, और आपको क्या सुविधा चाहिए इस बार? सुविधा क्या चाहिए? जो चल रहा है बस, बेरोजगारी वाले मामला थोड़ा सॉल्व हो जाए और सब सही है। और क्या बेरोजगारी है मतलब? नहीं है तो, जो अगर काम करेगा, मेहनत करेगा, ईमानदारी से काम करेगा तो दुर्गति उसके कहाँ आ रही है। तो कौन खत्म करेगा बेरोजगारी? सब सब मिलके भाई, सरकार देगी ऑप्शन, जो आप पढ़ाई लिखाई, जो अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखी, हमने मेन टारगेट पर जाए तो क्यों नहीं मिलेगा नौकरी? अच्छा जी, आपको पास है रोजगार या नहीं है? मैं तो टूर एंड ट्रेवल, मेरा रोजगार, हमारा कुछ बिजनेस है। तो महंगाई की बात करें तो देखिए, समय के साथ है मैडम, जो समय आज महंगाई है लेकिन साधन तो सारे हैं। आप पूरे देश में किसी भी राज्य में जाइए, अगर आपके पास चीजें हैं, पैसा है, सब चीज मिल जाती है। ऐसे पूरे मन से बोल, सब जनता ने दिया भैया। नहीं लेकिन राहुल गांधी एक नेता है जो मन से सभा में बोल रहा है। हाँ। ये तो गलत है ना मैडम? मोदी जी का भाषण नहीं सुनते हैं आप? नहीं नहीं, हमको जो दिख रहा है ना, उनको ही पता चल जाएगा कहाँ राजनीति जा रही है। नहीं नहीं, हमें तो लग रहा है जो भी है ठीक है। हाँ। लेकिन ये सब चीजें राजनीति में दोनों पार्टी को चाहिए। हाँ। सब चीजें नहीं आनी चाहिए। रोजगार मिल रहा है? रोजगार जो पढ़े लिखे कर रहे हैं। अरे पढ़े लिखो को भी नहीं मिल रहा आजकल? हाँ मैडम, अब अपना अपना है, जो जैसे तैयारी करेंगे वैसा होगा, जो नहीं करेगा कहाँ से होगा। लेकिन बड़ा सवाल उठा रहे हैं आप युवाओं पर, पढ़े लिखे युवाओं को भी नहीं मिल रहा है, नौकरी मांगने जाते नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सरकार ही है इनके लिए, तो सरकार ही है, सोचना चाहिए इनको भी। डिजिटल इंडिया है, ठीक है, रोजगार के लिए भी वो कर रहे हैं और महंगाई पे है उसपे भी वो कर रहे हैं। कितना टाइम लगेगा महंगाई दूर करने में भाई? अभी तो समय तो लगता है ना। कितना समय? 9 साल हो गए, 10वें साल में लगने वाले। पीछे 70 साल में किसी ने सवाल नहीं पूछा इस चीज का। 70 साल में काम नहीं किया तो जनता ने उखाड़ फेंका ना। उखाड़ फेंका तभी तो अभी देखो ना, इसी में कितना काम किया, डेवलप नहीं हुआ है क्या? कितना हुआ है ये देखो, क्या क्या डेवलप हो गया, क्या नहीं हुआ है, सब कुछ हुआ है। तो महंगाई तो हो जाएगी उसमें क्या, वो तो हर बार होता है, हर पीछे नहीं हुआ क्या? महंगाई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा किसको? जनता को। जनता के लिए तो कर रहे हैं सब कुछ, नहीं जो भी काम कर रहे हैं सब जनता के लिए कर रहे हैं। सरकार में तो मोदी सरकार है तो महंगाई कौन करेगा ये बताइए ना, बिल तो वही पास करती है, केंद्र में कौन है? तो किस चीज की महंगाई है ये तो बताओ है? किस चीज की महंगाई है? जनता कहती है फल सब्जी महंगा हो गया, हर एक चीज पर जीएसटी लगी हुई है। जनता ऐसे थोड़ी है, वो तो
बोलते रहते हैं। भैया किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? मोदी। मोदी क्यों? मोदी मोदी है तो मुमकिन है। वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीता है? वर्ल्ड कप मोदी थोड़ी खेल रहे हैं। हाँ। बैट्समैन खेल रहे हैं, बॉलर खेल रहे हैं। तो थे देखते हर कोई गया वहाँ पे, मैं भी गया। मनोबल तो बढ़ाने गए थे वो, तो हर कोई गया। वो अपना देश का मनोबल बढ़ा रहे ना। हाँ। देश का मनोबल बढ़ा रहे ना। इंडिया टीम चाहे खेल है, खेल में हार भी होती है जीत भी होती है, दो पहले होती है। हाँ तो हार गए तो मोदी का नाम क्यों आ रहा है आज? जब हार गए तो मोदी का नाम क्यों आ रहा है? किसका आएगा? टीम इंडिया का आएगा ना। अच्छा मोदी का मैच लगातार जीते थे, वो थोड़ी जो खेलेगा वो हारेगा। आज पाकिस्तान आज हार गया, श्रीलंका हार गया, बांग्लादेश हार गया, दैट मींस वो है मोदी नहीं था तो हार गया। ट्रेंड तो चल रहा है भाई अपन होती है मोदी का। ट्रेंड बोलने वाले बोलते हैं। अच्छा आप युवा है, रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा? मिल रहा है ना। अच्छा हाँ कहाँ कहाँ मिल रहा, कौन कौन से सेक्टर है? प्राइवेट सेक्टर में मिल रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हार गए। अच्छा हाँ वो जो तमाम युवा यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, वो कहते हैं कि भर्ती ही नहीं निकाल पा रही, रेल में इतनी भर्तियां वैकेंट पड़ी है, क्यों नहीं सरकार दे रही है? अभी रेल में आई थी ना, एनटीपीसी थी और क्या उसका एनटीपीसी आई थी 25,000 वैकेंसी, उसके बाद में और उसका 1,00,000 आई थी, चतुर्थ श्रेणी की आई थी ना 1,00,000 वैकेंसी, तो वैकेंसी तो आ रही है। फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है इतना? तो पावर एजुकेशन बढ़ रही है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्या एजुकेशन बढ़ रही है तो इतने रोजगार है नहीं, उसके लेवल के नहीं है हर बंदे की। कौन पूरा करेगा भाई इनकम? करेगा देश मोदी पूरी सिस्टम कर रहा है, पूरा कर रहा है वो, अपना सिस्टम बैठा रहा है सारा। हाँ कितना टाइम लगेगा सिस्टम बैठाने का? अभी तो 10 साल हुए हैं, 10 साल में देश का डेवलपमेंट हुआ है। और कितना समय लगेगा? लग रहा है अपना देश डेवलपमेंट किया है, डेवलपमेंट करेगा। बताइए 2014 से पहले देश पर 55,00,000 करोड़ का कर्ज था और आज पता है कितना? कितना है पता ही ना, आपको पता होगा। कोविड नहीं आया बीच में? अरे चलिए कोविड को जमाना हो गया भैया, गए हुए तो अदर कंट्री में देखो ना क्या हुआ है, उनका बेसिक स्ट्रक्चर देखो क्या हुआ है। हाँ। और देख अदर कंट्री में देखो, और इंडिया टाइम लगेगा कवर अप करने में। कवर हुआ है। हाँ। ज्यादा बेटर हुआ उससे। अच्छा हाँ। कवर हुआ है, ऐसी बात नहीं कवर नहीं हुआ। अच्छा, मुद्दा क्या रहने वाला है 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इस पे तमाम हिंदुस्तान की नजर रहेंगी, आपकी भी रहेंगी और हमारी भी रहेंगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार।